Assalamu alaikum, dear students. I am your maths teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to discuss our unit number 9, exercise 9.1 and its lecture number 1. Let's start. Chapter number 9 is all about linear equations. Linear equation, the equation which contain a single variable with the exponent of 1 is called the linear equation in one variable. For example, 2x plus 4 is equals to 6x. यहाँ पे सिंगल वेरिएबल x यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x कहेंगे. 3y minus 7 is equals to 14 minus 2y, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y. z plus 5 is equals to 0, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल z. यानी कि यहाँ पे x वेरिएबल है तो x वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे y वेरिएबल यूज हो रहा है तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y, एंड यहाँ पे z वेरिएबल यूज हो रहा है तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल z. लीनियर का मतलब होता है 1, यानी कि अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो सारी इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है. एक्सरसाइज 9.1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. उसने क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 15 क्वेश्चंस दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 1, 1/8x इज इक्वल्स टू 4, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8, हम इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8. 8 8 से कैंसिल हो जाएगा तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू x. 4 8 जार 32, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 32. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 11x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 20. 11x minus 2 is equals to 20. Adding 2 to both sides. इस left hand side पे भी 2 को add करें और right hand side पे भी 2 को add करें. 11x minus 2 plus 2 is equals to 20 plus 2. Minus 2 और plus 2 आपस में cancel हो जाएंगे तो 0 answer आएगा. तो 11x is equals to 20 plus 2 is equals to 22. Dividing both sides by 11. अब 11 से हमने इस लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड कर दिया, तो 11 11 से कैंसिल आउट, तो x आ जाएगा. 22 को 11 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा. इस तरह x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 6 है, 17x is equals to 255. 17x is equals to 255, dividing both sides by 17. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी दोनों तरफ हमने 17 से डिवाइड कर दिया. 17 से डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास x सिंगल वेरिएबल में आ जाए, उसका कोफिशियंट 1 आ जाए. 17 17 आपस में कैंसिल आउट, 1 आ गया. x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 255 को 17 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15. तो x इज इक्वल्स टू 15 आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/7. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द एलसीएम ऑफ 7 इनटू 3x प्लस 4. अब यहां पे हम 7 3x प्लस 4 से इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इस एक्सप्रेशन में 3x प्लस 4 3x प्लस 4 से कैंसिल आउट हो जाए और यहां पे 7 7 से कैंसिल आउट हो जाए. x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इनटू 3x प्लस 4 is equals to 1/7 multiplied by 7, 3x plus 4. 3x plus 4, 3x plus 4 से cancel out हो गए, कट गए. 7 into x minus 2 आ जाएगा, is equals to 7, 7 से cancel, तो 3x plus 4 आ जाएगा. 7 को जब हम अंदर multiply करेंगे, 7x minus 7, 2 are 14, is equals to 3x plus 4 आ जाएगा. Separate the variable and numbers. अब x variables को एक side पे लिख लेंगे और numbers को हम एक side पे लिख लेंगे. 7x यहाँ पे प्लस का 3x है इज इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज, और यहाँ पे माइनस 14 है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस 4. 7x माइनस 3x 4x इज इक्वल्स टू 14 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 18. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4. 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा. तो 18 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 9 बाय 2 आ जाएगा, यानी कि 2 2 आर 4 एंड 2 9 आर 18. तो x इज इक्वल्स टू 9 बाय. होम टास्क, सॉल्व द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक. थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज.